व रहमतुल्लाहि व हूँ कैसे आप लोग उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे नाजरीन किस मर्द औरत बूढ़े बच्चे जवान को सूरह इखलास सूरह फातिहा सूरह कौसर सूरह काफिरून या सूरह नास याद नहीं है मसलन हर मर्द औरत मुसलमान भाई और बहनों को याद होगा अनकरीब आज की इस वीडियो में आप सभी को ये पांच चीज़ें यानी सूरह फातिहा सूरह नास सूरह इखलास सूरह काफिरून और सुरह कौसर ये पांच सुरह की फजीलत बताने वाला हूं जिसकी फजीलत आप जानोगे तो इनशाला तबारक वाल आप रोज पढ़ने की कोशिश करेंगे और अभी तक अभी अगर आपने नहीं किया है तो यकीन आप हैरान हो जाएंगे और सोच में पड़ जाएंगे कि मैंने अभी तक इस वजीफ़े के क्यों नहीं किया इस वजीफे से आपसे इन शाला बहुत फ़ायदे होंगे लेकिन याद रखे कोई भी कुरानी अमल अगर आप करते हैं तो आजमाने की नीयत से बिल्कुल भी ना करें सिद्क दिल से करें तो उसका फ़ायदा होगा अगर आजमाने की नीत से करते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है बल्कि आप अगर कुरान हदीस को आज़मा रहे हैं तो वो गुनाह का सबब बनेगा नाजरीन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें कभी परेशानियां कभी खुशी कभी गम मिलती रहती है इस्लाम में मायूस

नाजिन ये वजीफा जानने से पहले एक गुजारिश है कि मैं रोजाना आपकी खिदमत में अच्छी अच्छी बातें और अच्छे अच्छे वजाइफ लेकर आता रहता हूँ तो आप मेरा सपोर्ट किया करें जिससे आगे बढ़ूँ तो आपकी हमेशा हमेश खिदमत करता रहूँ चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले साथ में बिलाइक उनको दबा दें ताकि मेरी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके और एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कर दीजिएगा मेरी वीडियो को नाजिन उन लोगों के लिए भी आप दुआ करें जो लोग हमें दुआ के लिए दरखास्त करते हैं ऐसे लोगों के लिए अल्लाह तबारक व ताल उनकी परेशानियों को दूर करें उनके तमाम नेक मकासद को पूरा करें आपकी दुआ बहुत जल्द कबूल होगी जो दूसरे के लिए दुआ मांगी जाती है अपने लिए दुआ मांगने की जरूरत नहीं होती है। क्योंकि अल्लाह आपकी दुआओं को पहले ही सुन लेगा नाजिन सुरह फातह सुरनाज शुर अखलास कौसर शुरह काफरून की पहली फजलत यह है कि अगर कोई मर्द या औरत किसी भी नमाज के बाद मसला जहर असर मगरब इशा फजर किसी भी नमाज के बाद शुरू और आखिर में एक सौ ग्यारह मरतबा धुरुशी पढ़कर पढ़ता है एक हज़ार एक मरतबा तो उसकी फजीलत यह है कोई भी शरीफ पढ़ सकता है इसमें कोई हर्ज नहीं है लेकिन बेहतर यह कि द्रुद इब्राहिमी पढ़े जो नमाज़ में पढ़ा करता है वो उसको याद ही होगा उसके बाद एक हज़ार एक मरतबह पढ़ने की पहली फजलत यह कि उसके बाद ये वजीफा करने के बाद दुआ मांगेगा तो उसकी दुआ कबूल होगी दूसरी फजिलत यह है कि अगर कोई बिगड़ा काम है जो बन नहीं पा रहा है तो जैसे ही ये वजीफ़ा करेंगे इन शाह तबारक वाली वो बिगड़ा काम बन जाएगा वो रुका हुआ काम पूरा हो जाएगा तीसरी फजलत यह है कि अगर कोई आपसे नाराज़ है यह वजीफा करके मीठे चीज पर दम करके खिला दे इंशाला तो वर्क वाली वो आपके वश में हो जाएगा चौथी फजलत यह है कि अगर आप चाहते हैं कि आग... आप अपनी ज़िंदगी में कामयाबी और तरक्की हासिल करें तो यह वजीफ़ा करें इन शबारक वाल तरक्की और कामयाबी आपके कदमों हो में होगी चौथी फजीलत थी पांचवी और आखिरी फजलत ये कि अगर आप बीमार या जादू हो या बुरे आसेब में हैं तो पानी पर दम कर कर पी लें या जो बीमार है उसकी आंखों पर छिड़क दें चेहरे को धूल ले इन श्ला तबारक वाली बहुत ही जल्द मर्द से शिफा पाएगा और उसकी परेशानियाँ दूर हो जाएगी ये पाँच फजीलतें मैंने ये पाँच सुरह के बारे में बताई तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें हाज नाजर मेरी बात अच्छी लगी होगी तो कमेंट कर ज़रूर बताएं चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले साथ में भी लाइक उनको दबा दें ताकि मेरी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके और एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा अपना ख्याल रखिएगा असल वरहमे वरकू